गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी। आज बात करेंगे अपन पी ब्लॉक डी एंड एफ एंड सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। टोटल अपने पास 50 क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा जी एफ ब्लॉक से पूछा गया है। क्या कहा गया? सीरियम इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ लैंथेनाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए बात कर रहा है। किसके लिए? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं क्या क्या। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर +3 and +4। बेटा एफ ब्लॉक में मेनली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है, परंतु सीरियम है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है अपना। द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल नॉर्मली इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये बात भी सही है। अगला क्या, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नॉन इन सॉल्यूशन। जबकि सॉल्यूशन में मेनली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है? इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही सॉल्यूशन में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। तो आंसर आ जाएगा अपना, आंसर इसमें हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ए ब्लड रेड कलर इज ऑब्टेन व्हेन फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद। बेटा जी FeCl3 फेरिक क्लोराइड के HCN से रिएक्शन करा दें इसकी, तो रेड कैसा? ब्लड रेड किसका? FeCn का होल थ्राइस। FeCn का होल थ्राइस का अपने को रेड कलर मिल जाएगा। कैसा? रेड ब्लड कलर, ब्लड रेड, ब्लड रेड कलर इसका मिल जाता है, ठीक है। तो अपने को आंसर आ जाएगा HCN से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये टेस्ट है अपने पास इसका, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ द लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो बेटा लैंथेनाइड्स में क्या होगा? 58 to 71 की ओर चलेंगे, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो आंसर आ जाएगा डिक्रीज, घटती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट देखे बेटा, इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें कितनी है बेटा? इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें कितनी है? इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें कितनी है? इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या कर देंगे? दोनों पेयरिंग कर देंगे, तो यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को कितने मिलेंगे? यहां 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को, करके देखोगे आप। इसमें कितने मिलेंगे बेटा? एक होगा, पेयरिंग हो जाएगी तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसमें कितना हो जाएगा? 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसमें अपने पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसमें मिलेगा? फर्स्ट में, क्योंकि म्यू एम इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस 2 होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ए में, फिर आएगा अपने पास डी, फिर बी, और फिर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा तीसरा, ओके। नेक्स्ट बात करें, कलर ऑफ द कोबाल्ट मेटाबोरेट इन बोरेक्स टेस्ट ऑफ CO प्लस 2 आयन। बेटा कोबाल्ट प्लस 2 आयन का कलर कैसा होता है? कोबाल्ट प्लस 2 आयन का कलर अपने को ब्लू कलर मिलता है, कॉपर की तरह ही इसका ब्लू कलर मिलता है। ये कलर आपको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करें, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टूगेदर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक साथ कौन सा नहीं था बेटा? ये बेस है, ये बेस है। इसको कहीं भी एसिड मिल गया, इसको कहीं भी एसिड मिल गया और साथ नहीं रहेंगे। यहां एसिड है, ये दोनों रिएक्शन करके किसमें? Na2CO3+H2O में चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। यहां देखेंगे, यहां ये एसिडिक है हाइड्रोजन, परंतु ये बेस नहीं है। यहां बेस तो है पर यहां एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यहां ये सॉल्ट है और ये एसिडिक हाइड्रोजन, परंतु ये बेस नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बेस हो गया और दूसरा क्या हो गया? एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय H2S इन डाइल्यूट HCl। एसिडिक मीडियम है, H2S पास करके किसको अलग नहीं कर सकते?
एल्युमिनियम और एचजी को अलग नहीं कर सकते हैं बेटा इसमें अपन, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट बात करें, विच कंपाउंड इज फाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ केसीएन इज एडेड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट अपन क्या केसीएन अधिक में मिलाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, के थ्री सी यू सी एन का होल फोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आंसर आ गया अपना, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ये सॉल्ट एनालिसिस में रिएक्शन पढ़ते हैं अपन। द एबडिशन ऑफ एन एटम इन एन एस आई एस थ्री का होल थ्राइस एन। देखिए इसमें बैक बॉन्डिंग आ जाती है बेटा, क्या आ जाती है, ये लोन पेयर जो होते हैं ये मूव कर जाते हैं किसमें, बैक बॉन्डिंग में, 2p पाई से 3d पाई की ओर, 2p पाई से 3d पाई की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 2p पाई 3d पाई, बैक बॉन्डिंग हो गई तो ये लोन पेयर क्या हो गया, गायब हो गया, लोन पेयर गायब हो गया, एक सिग्मा दो सिग्मा और तीन सिग्मा हाइब्रिडेशन आ जाएगा अपने पास sp2, आंसर आ जाएगा तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज मैक्सिमम बेसिक। इसमें आंसर करेक्शन बेटा, इसमें आंसर आपका फर्स्ट दे रखा है, मैक्सिमम बेसिक की बात कर रहा है। यहां पर कौन आ गए, यहां लोन पेयर आ जाएंगे, जो लोन पेयर नहीं सॉरी फ्लोरीन है, ये क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, जिसके कारण इसकी बेसिक नेचर कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा बेसिक अपने को कौन मिलेगा, फोर्थ मिलेगा, तो ये अपना रॉन्ग है आंसर। तो आंसर इसमें अपना आ जाएगा फोर्थ की, करेक्शन कर लेना इसको। द ऑक्साइड विच इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। पर जी जो अपनी अपर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कभी भी बिहेव नहीं करेगा। तो देखिए प्लस फोर में अपनी अपर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि ये प्लस फोर में है, ये आगे जा सकता है, ये भी प्लस फोर में है, ये किसमें आ गया अपने पास, प्लस फोर में आ गया। तो अपना आंसर आ जाएगा जो अपनी अपर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, और जो अपने लोअर नेगेटिव में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। एम्बिडेंट लिगेंड इज, एम्बिडेंट लिगेंड कौन से हैं बेटा, सभी एम्बिडेंट लिगेंड हैं। यहां पर देखिए यहां ऑक्सीजन भी दे सकता है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़ा है ये भी दे सकता है। यह कार्बन भी एम्बिडेंट लिगेंड कौन से होते हैं, जिनमें दो साइट हो और पर्टिकुलर टाइम में एक जना ही दे पाता हो लोन पेयर। यहां नाइट्रोजन भी दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है, यहां कार्बन भी और सल्फर भी। तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। बेटा ऑक्साइड की एसिडिक नेचर, ऑक्साइड की जो एसिडिक नेचर है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑक्साइड की एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, तो ऊपर वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट आ जाएगा Na2O5, कौन आ जाएगा Na2O5। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परॉक्सी लिंकेज। परॉक्सी लिंकेज का पता करने के लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है तो मतलब उसमें परॉक्सी लिंकेज है। तो यहां मैंने बात की 6-2 कितना आ जाएगा, 6 से कम आएगा। यहां पर देखिए 2x-6+2=0, तो 2x=4 आया, x=2 आ गया। इसमें बात करें कितनी आ जाएगी, +8 आ गई, इसका मतलब इसमें परॉक्सी लिंकेज है। तो अपना आंसर आ जाएगा दूसरा, क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब इसमें परॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, HOS डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है परॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। यहां पर H2S2O7 के लिए बात करें, किसके लिए H2S2O7, यहां कैलकुलेट करेंगे, यहां भी परॉक्सी लिंकेज नहीं है, इसमें बात करेंगे इसमें परॉक्सी लिंकेज नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, NH कैन नॉट बी स्टोरेज इन। NH को किसमें स्टोरेज नहीं किया जा सकता बेटा जी, NH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है,
जो एम्फोटेरिक मेटल से रिएक्शन करके H2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट AlO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक प्लस NaOH क्या बन जाएगा, Na2ZnOH का होल 4, Na2ZnOH का होल 4 अपने पास हो जाएगा और साथ में H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बाहर रिलीज हो जाएगी। तो दोनों ही को अपन नहीं कर सकते, तो आंसर आ जाएगा अपना 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? बेटा जी टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी, ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो आंसर आ जाएगा अपना 1। नेक्स्ट बात करें, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। बेटा जी 13, 14 एंड 15 ग्रुप में अपन बात करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, अपर की क्या होती है, डिक्रीज होती है। अपर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और लोअर की इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अपन देखें इनमें प्लस 4 की सही है बिल्कुल, प्लस 2 के लिए डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है, और प्लस 2 PB में ज्यादा स्टेबल है जबकि SN में प्लस 4 ज्यादा स्टेबल, तो आंसर आ जाएगा अपना 4th आंसर आ जाएगा, सारे स्टेटमेंट इसमें राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन, मेथेनमाइड्स कौन से होते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से मीथेन फॉर्मेशन होता है? तो बेटा जी ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इसमें तो सल्फर आ गया, ठीक है, इसमें बात करें इसमें क्या बन जाएगी, CH4 बन जाएगी, इसमें भी CH4 बन जाएगी, परंतु इसमें क्या बनेगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन होगा इसका, जबकि इसमें बात करें मीथेन है CH4, यहां भी CH4, परंतु यहां क्या बन जाएगी, यहां दोनों में क्या बन जाएगी, CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ClO2 इज ए एनहाइड्राइड ऑफ, बेटा ClO2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंटरमीडिएट आती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इंटरमीडिएट आती है तो वो मिक्स एनहाइड्राइड होगा। अब देखिए क्लोरीन के लिए अपने को पता है +1 +3 +5 एंड +7, तो ClO2 में +4 हो गया, तो इनके बीच का इंटरमीडिएट है, तो ये किससे बना होगा, HClO2 और यहां क्या HClO3, इन दोनों का मिक्सचर HClO2 एंड HClO3, तो आंसर आ जाएगा 4th, आंसर आ जाएगा 4th। CLO3 इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ CLO3, ये वही है क्वेश्चन, वैसा ही रिपीट हो गया, तो +1 +3 +4 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट CLO3, CLO3 में कितने आई, +6 आई, तो इनके बीच का हो गया ये +6, तो मतलब किसका ये HClO3 प्लस HClO4 का मिक्सचर है, किसका HClO3 एंड HClO4, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड आंसर आ जाएगा, कौन सा सेकेंड आंसर आ जाएगा। लाफिंग गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, Na2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, इसका इसको इससे क्या बनेगा, हीट करोगे तो N2O का फॉर्मेशन होता है, जबकि इससे अमोनिया का, इससे भी अमोनिया का, और इससे किसका फॉर्मेशन होगा, N2 का फॉर्मेशन होगा, किससे N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अपन बात करें अपना आंसर आ जाएगा 1st आ जाएगा लाफिंग गैस। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, पैसेज आ गया बेटा, देखो कह रहा है सॉल्ट व्हेन हीटेड विद K2Cr2O7 एंड कंसेंट्रेट एस्टो लिबरेट गैस विच इज ऑब्जर्व इन NaOH सोल्यूशन, एट द NaOH सोल्यूशन टर्न येलो
When the solution is acidified with acetic acid, lead acetate solution is added. A yellow PPT बन जाती है किसकी BB B की. When A is mixed with MnO2 and heated with concentrated H2SO4, then a gas X is evolved. बेटा देखो ये कौन सा टेस्ट है? ये CCT टेस्ट है. क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है. कौन सा है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता है? क्लोराइड आयनों के लिए होता है. किसके लिए? क्लोराइड आयनों के लिए. तो आयन प्रेजेंट इन द सॉल्ट है क्लोराइड आयन. CCT टेस्ट है ये. बात की हुई अपनी. नेक्स्ट बात करते हैं. कंपाउंड फाउंड विच टर्न NaOH सॉल्यूशन येलो. बेटा ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है? K2Cr2+ क्लोराइड आयन है प्लस एसिड है. तो अपने वो क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की रेड वेपर मिलती है इसकी. इसको NaOH से पास करते हैं तो अपने को Na2CrO4 का येलो सॉल्यूशन मिलता है. किसका? Na2CrO4 का. Na2CrO4 आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ. नेक्स्ट बात करें. सॉलिड है ठीक है. इसको गर्म ठंडा करने पर तो अपन पता है कि इसमें किसका कलर चेंज हो जाता है. यहां ZnO जो ये किसमें ZnO होट में बात करें तो ये कैसा येलो कलर सा अपने को मिलता है क्रिस्टल डिफेक्ट के कारण. किसके कारण? क्रिस्टल डिफेक्ट के कारण ठीक है. श्वेत अवक्षेप अपने को किसका मिल जाएगा? डी का. यहां पर ZnS आ जाएगा. सल्फाइड H2S गैस पास कर रहे हैं ठीक है. तो यहां ए कौन हो गया अपने पास? ए हो गया ZnO. इसमें H2S पास करेंगे तो ZnS बन जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा 24 में 2 एंड 25 में भी 2. तो अपना आंसर आ गया. नेक्स्ट बात करते हैं. पैसेज है द टर्म कार्बाइड इज जनरली. ये कार्बाइड के लिए बात कर रहा है बेटा. पूरी कार्बाइड क्वेश्चन दे रखे हैं. देखते हैं आगे. कंसीडर द फॉलोइंग कार्बाइड. निम कार्बाइड में विच ऑफ द गिव कार्बाइड हैज ऑन हाइड्रोलाइज यील्ड प्रोडक्ट. कौन सा कार्बाइड जल बुढ़े होने पर भिन्न उत्पाद निर्मित करता है? अब कैल्शियम कार्बाइड से बात करें. किससे? कैल्शियम कार्बाइड ले लें तो कैल्शियम कार्बाइड से अपने को मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड. CH का फॉर्मेशन हो जाएगा. इससे भी अपने को क्या मिल जाएगा? सी. बेटा ये दो यहां पर है. दो यहां पर है ठीक है. ये Be2C आ जाएगा अपना. इससे क्या बनेगी? मीथेन बनेगी. CH4 बनेगी. ये यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है. Be2C है. Be2C है. इनमें देखिए यहां पर देख लीजिए आप ऑप्शन में. ये CaC2 है. यहां Be2C है. इससे अलग बनेगा और बाकी सब में क्या बनेगी? एसिटिलीन बनती है. क्या बनती है? एसिटिलीन बनती है. तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड. यहां थोड़ा सा करेक्शन है इसमें. Which of the following is are methanamide? Methanamide जिनसे मिथेन का फॉर्मेशन होता है. मिथेन का फॉर्मेशन किससे हो जाएगा? आपने देखे अभी बता के गए थे अपन. इससे CH4 बनेगा. CH4 बनेगा इससे. इससे भी क्या बनेगा? CH4 बनेगा. जबकि Mg3C2 से. Mg3C2 में बात करें तो इसमें इसको अगर ओपन करके लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? +6. यहां आया -6. दो कार्बन पर -6 कैसे आ सकता है? -3 और -3. इससे क्या बनेगा? CH3 एंड CH3 बनेगा. इससे क्या बनेगा बेटा? एसिटिलीन बनेगा. CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो मेथनेमाइड किससे बनेंगे? A एंड B से बन जाएगा. आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आ जाएगा. मेथनेमाइड से किसका फॉर्मेशन होता है? A एंड B से. नेक्स्ट बात करते हैं. मोर देन वन आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड अटैक ऑन कॉपर एंड सिल्वर. प्लीज देखिए डाइल्यूट HNO3 कॉपर से भी रिएक्शन करता है, सिल्वर से भी रिएक्शन करता है. दोनों से रिएक्शन कर लेता है. सांद्र H2SO4 भी दोनों से रिएक्शन कर लेता है ठीक है. डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन नहीं करता है. एक्वा रेजिया में तो इनर्ट मेटल भी सोल्यूबल हो जाती है. तो पहला अपना सही है, दूसरा अपना तीसरा सही है और फोर्थ भी अपना सही है. 1, 2 एंड 1, 3 एंड 4 तीनों ही अपने सही है. नेक्स्ट बात करें. व्हाट चेंज अकर व्हेन एसिडिफाइड CrO4 आयन रिएक्ट विद H2O2 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट.
सीआरओ फोर आयन है इथर सोल्यूशन की स्थिति में एच टू विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या परिवर्तित उत्पन्न होता है? ऑरेंज कलर ऑफ सोल्यूशन टर्न ब्लू। भैया जी सीआरओ फोर का फॉर्मेशन होता है यहाँ सीआरओ फाइव का फॉर्मेशन होगा। ये सीआरओ फाइव जो है ऑरेंज कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ये सीआरओ फोर माइनस टू किसमें? सीआरओ फोर फाइव में चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज डिक्रीज। नो बेटा, क्योंकि इसमें देखो कितनी आएगी, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज रिमेनिंग सेम। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट एंड थ्री। ऑरेंज कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न ग्रीन। नो, ग्रीन में चेंज नहीं होगा। ये पहले सीआरओ फाइव बनेगा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन बेटा सभी में है, ये दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, धनात्मक विक्षण देगा। सॉरी, ये नाइट्रेट है, इसमें डज गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर गिव है, देने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन आर इजिली रिमूव्ड फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन बाय पीपीटी। पीपीटी के द्वारा किसको अलग कर सकते हैं बेटा? नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट आर वाटर सोल्यूबल होते हैं, ऑल नाइट्रेट सोल्यूबल होते हैं, इसलिए इसको अलग नहीं कर सकते। जबकि इसको, इसको और इसको, इनकी पीपीटी अपने को मिल जाती है, तो इनको इजी वे से अपन अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, पीपीटी फॉर्मेशन के कारण। फाइव नंबर बात करें, ए व्हाइट पीपीटी इज ऑब्टेन व्हेन, श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है जब। देखिए बेटा, ए सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 ट्रीटेड विद Na2CO3, तो BaCl3 के अपने को पीपीटी मिल जाएगी, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ए सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 इज ट्रीटेड विद Na2SO3, इसकी भी सल्फाइड की व्हाइट पीपीटी अपने को मिल जाती है। ए सॉल्यूशन ऑफ ZnSO2 इज ट्रीटेड, ZnSO3 है बेटा ये, ठीक है, इज ट्रीटेड विद Na2S, इसमें भी मिल जाएगी अपने को व्हाइट पीपीटी। मतलब सॉल्यूशन ऑफ BbNO3 इज ट्रीटेड विद Na2CrO4। इसमें बात करें बेटा, नाइट्रेट कैसे होते हैं, अभी बताई गई, नाइट्रेट सारे क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, तो इनकी पीपीटी अपने को नहीं मिलेगी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और तीनों ये सही है। विच पेयर वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फॉर्म पीपीटी व्हेन सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। पीपीटी किस सॉल्यूशन किसके नहीं बनेंगे अपने को? इसका पता है अपने को, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो इनकी पीपीटी अपने को नहीं मिलेगी। ठीक है, किसकी? एक तो एजी के जो भी होंगे बेटा, उनकी पीपीटी अपने को प्राप्त नहीं होगी। ये हाइड्रोक्साइड की तो अपने को पीपीटी मिल जाएगी, AlOH का होल थ्राइस की पीपीटी तो अपने को मिल जाएगी। सोडियम का सल्फाइड है, इसकी भी नहीं मिलेगी। पोटेशियम का सल्फेट है, इसके भी नहीं मिलेगी अपने को। तो अपना आंसर आ जाएगा वन सेकेंड एंड थर्ड अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इफ डीकलर्स एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन देन एक्स में भी। एक्स कौन सा हो सकता है जो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? ये रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बिहेव करता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, चारों ही कर सकते हैं, क्योंकि ये अपर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं। अगर इनमें कोई ऑप्शन CO2 होता तो वो इसका कलर चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी चेंज व्हेन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? इसमें कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कूलिंग करेंगे तो ये डाइमर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें बात करें N2O3, ये भी टूट जाएगा बेटा टेम्परेचर चेंज करने पर। N2O4 है, ये भी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो NO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। H3PO3 इज ऑन हीटिंग गैन। बेटा जिस प्रोपेनेशन विषमानुपातिकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, H3PO3 को अपन हीट करेंगे, तो ये H3PO4 प्लस PS3 में चेंज हो जाता है, यहां कितनी है? +3 +5 -3,
तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। इंटरेस्टिंग कंपाउंड ऑफ नोबल गैस विद मेटल आर नॉट फॉर्म्ड। बेटा कौन नहीं बनाता, जो छोटे होंगे वो नहीं बनाएंगे, कौन? हीलियम एंड नियोन नहीं बनाएंगे, क्लेथरेट वगैरह कंपाउंड कौन बनाते हैं? क्रिप्टन ऑर्गन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट एंड सेकेंड। Cl2 react with hot and concentrated NaOH to give Cl2 की रिएक्शन अपन किसे? Cl2 plus NaOH hot and concentrate NaCl plus NaOCl NaClO3 बन जाएगा, NaCl बन गया एंड NaClO3 बन गया, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस व्हेन HNO3 डिसप्रोपोनेशन इन एक्व सॉल्यूशन। बेटे जी HNO3 किसमें जाता है? HNO2 किसमें जाता है? HNO3 प्लस NO में जाता है, किसमें? NO में। तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, आंसर आ जाएगा कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अमोनिया ऑन रिएक्शन विद हाइपोक्लोराइट एनायन कैन गिव। बेटा जी अमोनिया जो हाइपोक्लोराइट आयन के साथ रिएक्शन करती है, हाइपोक्लोराइट आयन कैसा होता है? एक एसिडिक नेचर रखता है, तो HNO3 बन जाएगा, N2O4 बन जाएगा एंड NO का फॉर्मेशन हो जाता है। द मेटल विद प्रोड्यूस H2 गैस विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट बेटा ये स्पेशल याद रखना है, इन दो एक्सेप्शन है, ये जो डाइल्यूट HNO3 के साथ H2 गैस देते हैं MgO एंड MN, ये दोनों ही H2 गैस देते हैं। अपने पास अमॉन्ग द फॉलोइंग हाउ मेनी स्पीसीज कैन चेंज द कलर ऑफ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 एंड 7 अपने पास आंसर आ जाएगा, कौन सा? 7 अपने पास आंसर आ जाएगा। निम्न के बीच में पीला अमोनियम, यस अपन इसको बोलते हैं यश। तो 1, 2 एंड 3, ये तीनों अविलय होकर सल्फाइडों की संख्या बताएं, कौन से अविलय होंगे? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ग्रुप सेकंड को, एक तो यस में सॉल्युबल और दूसरे यस में इनसॉल्युबल होते हैं, उनको बताते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा पहला, दूसरा एंड लास्ट वाला आंसर आ जाएगा 03। क्या कह रही है? सम मेटल कैटायन आर मेंटेन बिलो ए फ्यू देम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स विद एक्सिस ऑफ NaOH। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन रिप्रेजेंट कर देगा? ये कर देगा, ये तीन जने हैं जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन। बेटे जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो कर देंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट बात करें 1, 2, 3 एंड अपने पास ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट 4। यहां देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +4। यहां भी कितनी आएगी? +4। और एक ये रहा SO3, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर येलो कलर देते हैं। बेटे जी येलो कलर कौन से देते हैं? एक तो AZI का अपने को येलो कलर मिलता है, और एक AZ फॉस्फेट, सिल्वर फॉस्फेट का भी अपने को येलो कलर मिलता है, और इस कॉम्प्लेक्स का अपन ने टेस्ट किए थे इनके, इस कॉम्प्लेक्स का भी अपने को येलो कलर प्राप्त होता है। तो अपना आंसर आ गया इसमें 03 आंसर आ जाएगा, कितना? 03 अपने पास आंसर आ जाएगा, कौन कौन येलो कलर देता है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें,
हाउ मेनी आयंस आर पीपीटी बाय द डाइल्यूट एचसीएल, डाइल्यूट एचसीएल के साथ कितने आयन है जो पीपीटी देते हैं बेटा, स्टार्टिंग में डाइल्यूट आयन के साथ कौन है, आज होंगे प्रभु, ये एजीसीएल की व्हाइट पीपीटी दे देगा, ये HG2Cl2 की व्हाइट पीपीटी दे देगा, ये PbCl2 की व्हाइट पीपीटी दे देगा, आज होंगे प्रभु ये तीनों ही अपने ग्रुप फर्स्ट के रहे जो डाइल्यूट HCl के साथ व्हाइट पीपीटी दे देते हैं। आंसर आ जाएगा इसका 03। हाउ मेनी पीपीटी आर फॉर्म व्हाइट इन कलर, बेटा जी देखिए सारे के सारे ये व्हाइट कलर देते हैं, टोटल के टोटल ये व्हाइट कलर, ये टोटल के टोटल कितने हैं, व्हाइट पीपीटी देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 05, आंसर आ जाएगा 05। नेक्स्ट बात करें, CuFeS2, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे काउंट करो बेटा, इसको मूलानुपात सूत्र है ये Fe2S4, इसको ऐसे लिख सकते हैं Cu2S+Fe2S3। यहां पर कॉपर में कितनी आएगी, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, किससे, एक तो FeS से और दूसरा FeS2 से। यहां FeS2 की स्ट्रक्चर क्या है, Fe+2 SS- यहां आए तो यहां दोनों में ही Fe की कौन सी आएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, स्पेशल ध्यान रखना है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए, इसमें अपने काफी टॉपिक क्लियर किए हैं, ठीक है, अच्छा पेपर था, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।